खाओ बनाओ 96 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप लोग के लिए मैं तरह तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ, वो शॉर्ट वीडियो भी रहते हैं और लॉन्ग वीडियो रहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम इन खाओ बनाओ 96। आज हम लोग का जो डिश है वो क्या है? सॉरी, पनीर। कौन सा पनीर? शाही पनीर। सो गाइस, शाही पनीर बनने वाला है। हम लोग की प्लेटिंग रेडी है, आप लोग देख सकते हो। पनीर बहुत फ्लफी है, बहुत ही अच्छा स्मेल था। पनीर आप लोग ने शाही पनीर कभी नहीं खाया होगा, ये मेरी हाउ बनाओ 96 से गारंटी है। गाइस, मसाले में आप लोग ध्यान से देखिए, ये है पनीर बटर मसाला जो हम लोग को 1 टी स्पून लेना है, ये 1/2-4 टी स्पून लेना है, और ये शुगर है, शुगर हम लोग को 1/2 टी स्पून लेना है, ये रेड चिली पाउडर है उसको हम लोग को 1/4 स्पून लेना है, ये गरम मसाला है इसको हम लोग 1/2 टी स्पून लेंगे, और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर है। ये पनीर की ग्रेवी है दोस्तों, इसके बारे में मैं डिटेल देता हूँ। गाइस, ये जो ग्रेवी है इसके बारे में मैं डिटेल आपको बताता हूँ, इसका फुल वीडियो क्या क्या इंग्रेडिएंट पढ़ के बना हुआ है। बहुत टेस्टी है गाइस, बहुत अच्छा स्मेल आता है, आप लोग उसको वीडियो देखिए और बनाइए। सबसे पहले मैं बताऊंगा, ये थोड़ी सी दही है, ये अमूल मलाई आप यूज़ कर सकते हो, ये घर की बनाई हुई मलाई है तो ये मैं घर की मलाई यूज़ कर रहा हूँ। ये अप्रॉक्स हम लोग बोलेंगे एक तो 100 ग्राम दूध रहेगा, और ये थोड़ा सा ग्रेवी का पानी। गाइस, आप लोग जैसे कि देख रहे होगे, मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन काट के रखा हुआ है, थोड़ा सा हम लोग ने बटर लिया हुआ है, ग्रीन चिल्ली है, ये थोड़ा सा अदरक है, और ये लहसुन के पतले पतले पिसे हुए पार्टिकल्स हैं। गाइस, ये पनीर आप लोग देख रहे होगे, ये घर का बनाया हुआ पनीर है, मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग अपने घर पे बनाइए, और इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है तो आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं इसको स्लाइटली कट कर लेता हूँ पनीर के लिए, जो मैं पनीर बनाने वाला हूँ शाही पनीर। शाही पनीर में नॉर्मली मलाई पनीर पड़ता है, तो इसकी वजह से हम लोग ने घर पे ही मलाई पनीर बना लिया है, ठीक है। गाइस, हम लोग ने पनीर कट कर लिया है, हम लोग ऐसे शेप में पनीर कट करेंगे, हम लोग को इसको फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये शाही पनीर है। इसमें 2 टी स्पून ऑयल हम लोग को ऐड करना है, अच्छे से ऑयल को मिक्स करना है, हीट होने के लिए ऑयल। आप लोग को बताना मैं भूल गया था, जीरा हम लोग को लगेगा, तो आपको जीरा ऐड करना है। जीरा के बाद थोड़ा सा जिंजर, थोड़ा सा गार्लिक, गैस का फ्लेम स्लो रहेगा, थोड़ा सा हम लोग बटर भी ऐड कर देंगे हमारी ये स्टेज पे। हमने बटर ऐड करने के बाद मिर्ची भी ऐड कर देना है, और हमारा ढेर सारा डालना। इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करना है, टाइम इंटेंसली हम लोग थोड़ा थोड़ा मसाले डालते रहेंगे। ये मैंने डाल दिया धनिया पाउडर, गरम मसाला थोड़ा स्लो करके ताकि मसाले जल ना जाए, थोड़ा सा रेड मिर्ची पाउडर, हल्दी, और हमारा पनीर मसाला, ये सारा फ्राई करेंगे। ऐसे हम लोग को मिक्स करना है, हाई फ्लेम पे इसको कर लेना है। हमारे जो कांदे हैं उनको अच्छे से हम लोग को भूनना है, हाई फ्लेम पे ही रहेगा सब। हम लोग ऐसे चलाते रहना है, जैसे लगे कि हम लोग को जलने वाला है वैसे हल्का सा लीजिए। पानी हम लोग को ऐड कर, ये
टाइम पे हम लोग का कांदा अच्छे से भून चुका है। अभी हम लोग ऐड करेंगे हमारी ग्रेवी। इसको अच्छे से भून लेना है। मसाला भून गया है, इसमें भी हम लोग हल्का सा हमारा पानी ऐड करेंगे, जैसे के लिए ग्रेवी का ही पानी फ्लेम स्लो करना है। अभी हमारे शाही मसाले के इंग्रेडिएंट ऐड करना है, जैसे कि थोड़ा सा चीनी। गैस का फ्लेम लो कर दिया है मैंने, दूध ऐड कर दिया है, अच्छे से सब मिक्स करना है। कलर स्लोली स्लोली चेंज होगा, ऐसा मत सोचिएगा खीर बना रहा हूँ। अब इसमें मैं एक चम्मच मलाई डालूंगा, आप देखिए दूध अच्छे से मिक्स हो गया है, जो फ्लेमिंग है ना बहुत अच्छा है। ये देखिए अभी और इंग्रेडिएंट बाकी है डालने के लिए। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इसमें दही ऐड करेंगे, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, हाफ टी स्पून। और हमारी प्यारी कस्तूरी मेथी, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो हमारे पनीर है। ये स्टेज पे हम लोग को हमारे पनीर भी ऐड कर रहे हैं। उसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा गरम करना है और इसमें नमक ऐड कर देना है। गाइस ये पनीर प्लेटिंग के लिए जबरदस्त रेडी है। गाइस हम लोग का पनीर बहुत ही अच्छे से हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे, खाने में बहुत टेस्टी है ये। हम लोग इसकी प्लेटिंग करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ओके गाइस हम लोग का प्लेटिंग के लिए रेडी है, आप लोग देखिए। हम लोग तो एटलीस्ट बहुत एक्साइटेड इसको खाने के लिए, आप लोग भी बनाओगे तो आप लोग भी एक्साइटेड होंगे, आई एम डैम श्योर। हम लोग की प्लेटिंग रेडी है, आप लोग देख सकते हो, पनीर भी बहुत फ्लफी है, बहुत ही अच्छा स्मेल है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। आप लोग ट्राई कीजिए इसको घर पे और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा बना होगा। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल खाओ बनाओ 96 एंड प्लीज सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।